हे गाइस वेलकम। तो इस चैप्टर में हमने लिस्ट के बारे में काफ़ी डिटेल में समझा। आज ये समरी वीडियो है लिस्ट के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लिस्ट एक डेटा स्ट्रक्चर है और हम डेटा स्ट्रक्चर को यूज़ करते हैं अपने डेटा को स्टोर करने के लिए। तो लिस्ट भी एक डेटा स्ट्रक्चर है। अब बात करते हैं कि हम लिस्ट को कैसे क्रिएट करते हैं। पाइथन में लिस्ट को क्रिएट करने के लिए हम यूज़ करते हैं स्क्वेयर ब्रैकेट्स, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। और पाइथन में लिस्ट के अंदर आप कुछ भी स्टोर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने एक लिस्ट बनाई मिक्स्ड नाम की, ठीक है। इसके अंदर क्या है, पहले 3 इंटीजर हैं, फिर लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट है, और फिर लिस्ट के अंदर स्ट्रिंग है, और फिर लिस्ट के अंदर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है, और फिर लिस्ट के अंदर स्पेशल वैल्यू है नन। लिस्ट एक ऑर्डर्ड कलेक्शन है आइटम्स का, मतलब इस लिस्ट में जितनी भी आइटम्स है 1 2 3 हर किसी की पोजिशन है। अब इस ये 1 किस पोजीशन पे है, 0। अगर मैं प्रिंट करूँ मिक्स्ड 0 या फिर प्रिंट करूँ मिक्स्ड 3, तो मेरे पास आउटपुट आना चाहिए 1 और 4 5 6। चलिए इसको रन करके देखते हैं। ये देखिए 1 और 4 5 6। ये 4 5 6 क्यों आउटपुट आ रहा है, क्योंकि थर्ड पोजीशन पे ये कंप्लीट लिस्ट है, और लिस्ट के अंदर लिस्ट है तो ये एक ही आइटम मानी जाएगी। ओके, अब बात करते हैं हम अपनी लिस्ट में डेटा को कैसे स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। डेटा को कैसे ऐड कर सकते हैं। देखिए सबसे पहला मेथड है अपेंड मेथड। तो अपेंड मेथड करता क्या है, हमारी लिस्ट में जो भी हमने ऐड करना है उसे लास्ट में ऐड कर देगा। फॉर एग्जांपल 10, अगर हम मिक्स डॉट अपेंड और पैरेंथेसिस में 10 लिखेंगे तो ये हमारी लास्ट में लिस्ट के लास्ट में 10 ऐड कर देगा। चलिए मैं इसको कमेंट आउट करता हूँ और अब अपने प्रोग्राम को रन करके देखता हूँ अपनी लिस्ट को प्रिंट करवा के। ये देखिए मेरी लिस्ट में लास्ट में 10 प्रिंट हो चुका है। आई होप आपको इतना समझ आ चुका होगा। अब मैं इसको कमेंट आउट करता हूँ। देखिए अब अपेंड मेथड में अगर आप कंप्लीट लिस्ट पास करेंगे तो कंप्लीट लिस्ट अपेंड हो जाएगी, मतलब 10 20 30 ये कंप्लीट लिस्ट लास्ट में ऐड हो जाएगी। देखिए अगर मैं अब इसको रन करके देखता हूँ, इसको मैं यहाँ पे प्रिंट कराता हूँ और अब इसको रन करके देखता हूँ। ये देखिए लास्ट में 10 20 30 कंप्लीट लिस्ट अपेंड हो चुकी है। तो आई होप आपको इतना समझ आ चुका होगा। तो अब बात करते हैं एक्सटेंड मेथड की। अगर आप एक्सटेंड मेथड को यूज़ करेंगे तो एक्सटेंड मेथड क्या करेगा, आपकी लिस्ट में हर एक आइटम ऐड कर देगा। ये कंप्लीट लिस्ट की तरह ऐड नहीं होगा, 10 20 30 अलग अलग आइटम्स ऐड हो जाएंगी। देखिए इसको मैं अनकमेंट करता हूँ और यहाँ से मैं प्रिंट करता हूँ इसको। अब इसको रन करके देखते हैं। तो ये देखिए नन के बाद 10 20 30, ये है एक्सटेंड, ठीक है। जब हमने अपेंड किया था अपेंड में क्या हो रहा था, कंप्लीट लिस्ट ऐड हो रही थी। आई होप आपको इतना समझ आ चुका होगा। इसको मैं कमेंट करता हूँ। अब अगर आपने दो लिस्ट को ज्वाइन करना है आपस में तो आप आसानी से ऐसे ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास दो लिस्ट हैं L1 और L2, अगर आपने उन दोनों को ज्वाइन करना है तो आप L1 और L2 को ज्वाइन करके एक अलग लिस्ट में स्टोर करा सकते हैं। तो ऐसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब बात करते हैं इंसर्ट मेथड की। तो इंसर्ट मेथड हम क्यों कब यूज़ करते हैं, जब हमें किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे किसी एलिमेंट को ऐड करना है। अपेंड तो लास्ट में ऐड करता है, एक्सटेंड भी लास्ट में ऐड करता है। फॉर एग्जाम्पल मुझे फर्स्ट पोजीशन पे ये स्ट्रिंग इंसर्ट करनी है और स्ट्रिंग में क्या लिखा है, इंसर्टेड। तो ऐसा भी कर सकता हूँ मैं। देखिए मैं इसको रन करके देखता हूँ। तो ये देखिए फर्स्ट पोजीशन पे इंसर्टेड ऐड हो चुका है। तो इसको मैं कमेंट आउट करता हूँ। अब बात करते हैं अपनी लिस्ट में से डेटा को कैसे रिमूव करना है। तो डेटा को रिमूव करने के लिए हम यूज़ करते हैं पॉप मेथड, ठीक है। तो मैं इसको अनकमेंट करता हूँ। देखिए पॉप मेथड क्या करेगा, अगर आप पॉप मेथड में कोई भी आर्गुमेंट पास नहीं करोगे तो ये पॉप मेथड हमारी लिस्ट का लास्ट एलिमेंट रिमूव करेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे नन, और लास्ट एलिमेंट रिमूव करके तो ये रिटर्न करेगा वो एलिमेंट, और वो रिटर्न्ड वेरिएबल रिटर्न्ड वैल्यू हम किसी वेरिएबल में भी स्टोर करा सकते हैं और प्रिंट भी करवा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने वेरिएबल में स्टोर करा लिया, और अगर मैं लिखूँ प्रिंट पॉप्ड और साथ में लिखूँ मैं प्रिंट मिक्स्ड, अब देखिए क्या होगा। ये देखिए ये मेरी कंप्लीट लिस्ट थी, ठीक है।
मतलब कि इंसर्टेड नहीं था इसमें, ये कंप्लीट लिस्ट थी, इसने लास्ट से नन हटाया ठीक है और वेरिएबल में स्टोर किया, उस वेरिएबल की वैल्यू हमने प्रिंट की और हमने लिस्ट देखा कि लिस्ट में अब नन है या नहीं है, लिस्ट में अब नन नहीं है। आई होप आपको इतना समझ आ चुका होगा। अब अगर हम पॉप मेथड में एक आर्गुमेंट पास करा दें फॉर एग्जांपल 1, तो ये वहीं से रिमूव करेगा जो पोजीशन यहाँ पे लिखी हुई है। अब यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे क्या है 2, तो ये 2 को रिमूव कर देगा ठीक है। तो अब देखते हैं प्रिंट मिक्स्ड प्रिंट पॉप्ड। तो पॉप्ड मेथड से पहले भी मैं अपनी लिस्ट को प्रिंट करवा के देखता हूँ ठीक है। ओके तो ये देखिए, ये मेरी थी ओरिजिनल लिस्ट ठीक है। उसके बाद पॉप मेथड ने क्या किया, 2 को रिमूव किया। 2 को रिमूव करने के बाद मेरी लिस्ट रही है, उसने उसको एक वेरिएबल में स्टोर किया, उसकी वैल्यू रही है। तो आई होप आपको ये भी समझ आ चुका होगा। अब है रिमूव मेथड। अगर आपको अपनी लिस्ट में से कोई एलिमेंट रिमूव करना है बट आपको नहीं पता वो किस पोजीशन पे है, तो आप रिमूव मेथड यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ से अगर मुझे 7 को रिमूव करना है तो यहाँ पे मैं रिमूव मेथड यूज़ कर सकता हूँ। तो मैं इसको अनकमेंट करता हूँ और फिर अपनी लिस्ट को देखिए, ये देखिए मेरी लिस्ट से 7 गायब है ठीक है। आई होप आपको इतना समझ आ चुका होगा रिमूव हम क्यों यूज़ करते हैं। अब है डेल स्टेटमेंट ठीक है, ये डेल ऑपरेटर भी कह सकते हैं आप इसको। ये करता क्या है, हमारी लिस्ट में से पहले आपने लिखना है डेल, उसके बाद अपनी लिस्ट का नाम, उसके बाद स्क्वेयर ब्रैकेट्स में इंडेक्स नंबर लिखना है जिस भी पोजीशन का आप एलिमेंट रिमूव करना चाहते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं लिखूँगा 3, तो थर्ड पोजीशन पे क्या है 0 1 2 3 4 5 6 कंप्लीट लिस्ट है, तो ये रिमूव हो जाएगी। अगर इसके बाद मैं अपनी लिस्ट को प्रिंट कराऊँ तो ये देखिए क्या होगा, यहाँ से 1 2 3 जो कंप्लीट लिस्ट थी, सॉरी 4 5 6 जो कंप्लीट लिस्ट थी ये वाली, ये कंप्लीट रिमूव हो चुकी है। आई होप आपको इतना समझ आ चुका होगा। अब बात करते हैं लूप्स की। तो लिस्ट में लूपिंग करना बहुत ही सिंपल है। देखिए यहाँ पे लूप कैसे करते हैं, फोर आई, आई एक वेरिएबल का नाम है, आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, फोर आई इन मिक्स्ड, मिक्स्ड आपकी लिस्ट का नाम है। तो जब ये पहली बार लूप चलेगी, आई के अंदर क्या वैल्यू स्टोर होगी, जो आपकी लिस्ट के अंदर फर्स्ट आइटम है। दूसरी बार लूप चलेगी, आई के अंदर क्या स्टोर होगा, जो आपकी लिस्ट की सेकंड आइटम है। तो आप उस एक एक आइटम को प्रिंट करा रहे हो ठीक है। तो अब इसको रन करके देखते हैं, तो ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8.0 नन। तो आई होप आपको समझ आ चुका होगा। तो ये था जो आपको लिस्ट के बारे में पता होना चाहिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।